नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 500 साल के इंतजार के बाद आज प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराज चुके हैं। अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 14 जोड़े यजमान बने थे। एक दिन बाद यानी 23 जनवरी से मंदिर को आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। मैसूर के नामचीन मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भगवान राम की ऐतिहासिक प्रतिमा बनाई है। नई 51 इंच की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, जरा पहले वो आपको सुनाते हैं। राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है, राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी। प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति समनासी, अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए, लंबे योग से, लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है, हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में, उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक
प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंबा जो इंतजार था, 5 वर्षों का जो इंतजार था, वो आज खत्म हो चुका है। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। गौरव मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। महेंद्र प्रकाश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वाति तिवारी जी कवियत्री हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव मिश्रा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। कलयुग में नए त्रेता युग की आज से हम कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। कलयुग में विकार भी रहेगा, आसुरी शक्तियां भी उसी प्रकार प्रभावी रहेंगी, लेकिन हम सत्य का संधान नहीं छोड़ सकते। और उस सत्य को जो स्थापित करने वाला व्यक्ति है, जो सत्यवीर है, जो सत्य को धारण करता है, जो सीता के विराट स्वरूप को धारण करता है, वो राम है। और उस रामलला को इसी कलयुग में 500 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, वो इस कलिकाल के ही कारण संभव हो सका। लेकिन एक महामानव इसी धरती पर अवतरित होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में, और इस महानुष्ठान को संपन्न कराता है, और भारत में एक बार पुनः भगवान राम के उस चेतना का प्रवाह स्पष्ट हम महसूस करते हैं, जो कन्याकुमारी से कैलाश तक, कच्छ से कामाख्या तक पूरे भारत को एक चेतन प्रवाह में जोड़ती है। और मुझे लगता है कि आज भारत का कण कण, व्यक्ति व्यक्ति राममय है, और वो राममय है जो हमारे अंदर, हमारे भीतर आत्मा के रूप में प्रवाहमान है। किसी भी प्रकार के दुराग्रह, किसी भी प्रकार के राजनैतिक साम दाम दंड भेद जैसी परिभाषाओं से परे, बिल्कुल एकत्व जिसको कहते हैं, जहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, इस प्रकार के वातावरण का निर्माण इस युग से शुरू होगा, इस कालचक्र से शुरू होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये कालचक्र एक नए युग की शुरुआत हो रही है, और प्रत्येक भारतवासी इस जिम्मेदारी को महसूस करे, क्योंकि विश्व मानवता के लिए, पूरे प्रकृति के लिए यह जिम्मेदारी भारतवंशियों पर ही प्रकृति ने दी है, भगवान ने दी है, और उसके लिए ही भगवान राम का पुनः अवतरण हुआ है, अयोध्या में आगमन हुआ है। तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भारतीय संस्कृति के पास है, और भारतीय संस्कृति का प्रत्येक नागरिक एक राजदूत बनकर, एक एम्बेसडर बनकर पूरे विश्व में छाएगा, और यहां से सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। बिल्कुल महेंद्र प्रकाश जी, गौरव जी ने कालचक्र का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दरअसल कालचक्र का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि वो जब राम सेतु गए तो उन्होंने महसूस किया कि जब प्रभु राम यहाँ से इस सेतु से समुद्र को पार किए होंगे, और कालचक्र दोहराता है उन्होंने कहा, और एक बार फिर से वही कालचक्र अब दोहराता नजर आ रहा है। ये आप मानते हैं कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो ये संभव ना हो पाता, जो आज का दिन हम लोग देख रहे हैं, आप भी मानते हैं? क्योंकि आपके नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम इस बात को खुले मन से, दिल से स्वीकार करते हैं, और सार्वजनिक स्थल पर मीडिया के सामने बोल भी रहे हैं। महेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? महेंद्र जी को आवाज नहीं मिल पा रही। भाई देखिए महेंद्र जी को क्या दिक्कत आ रही है। सुनील कौशिक जी का आपका रुख करेंगे। आ गई है, ठीक है। आप बोलिए, क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो आज का दिन जो हम देख रहे हैं संभव ना हो पाता? आपके नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं, मीडिया के सामने वो यही बात बोल भी रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। जहां तक ताल्लुक है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, तो भगवान राम ने मर्यादाएं दिखाई थी। उन मर्यादाओं में यह भी था कि अगर कोई आदमी ऑब्जेक्शन करता है, एक साधारण से व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन किया तो उसका मतलब क्या कर दिया था। और भी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने मर्यादा को रखते हुए
हम लोगों की भूमियों के विरुद्ध उन्होंने काम किया भगवान राम ने, चाहे पब्लिक ने उनको अच्छा नहीं समझा, जनता ने अच्छा नहीं समझा। आज अगर आप देखें तो राहुल गांधी जी को वहां शंकर जी के मंदिर में जाने से रोका गया। आप देश में मर्यादाओं की बात करते हैं, मर्यादा के आप प्रशासन बनने की उसमें अपने भाषण देते हैं, लेकिन आप मर्यादाओं का पालन करते हैं क्या? भगवान राम को चरितार्थ करना चाहते हैं, राम राज्य की ओर आप अग्रसर हैं, तो उसमें राम की मर्यादा को भी आपको पालन करना पड़ेगा। आज मैं आपको बुरा लगूंगा ये कहता हुआ, लेकिन मोदी जी या उनकी सरकार जो परोक्ष रूप से इसमें शामिल है, क्योंकि डायरेक्ट रूप से तो इनके साथ आ नहीं सकती, कोर्ट का संविधान का बीच में आएगा कि संविधान किसी प्रधानमंत्री को ये आज्ञा नहीं देता कि वो किसी धार्मिक कार्य में जाए, लेकिन उन्होंने एक परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट रूप में वहां पहुंचे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मर्यादाओं का जो पालन है अगर वो किया जाता, सभी लोगों को शामिल करने की, पूरे हिंदुस्तान को शामिल करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, क्या पूरा हिंदुस्तान इसमें शामिल है दिल से? इन्होंने एक पर्सनल कार्यक्रम बनाकर इसको किया है। आपने फिर मैं बधाई देता हूँ कि मोहिंदर जी, आप ये मर्यादाओं का जो ज्ञान देने लगते हैं ना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा समझना चाहिए और आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए था, सोमनाथ राष्ट्रपति जी को चले जाना चाहिए था, जब जीर्णोद्धार हुआ, जब वहां कार्यक्रम किया गया, आपने यहां कह दिया कि ये सरकारी कार्यक्रम हो गया, वहां पर आपने कह दिया कि नहीं सरकारी कार्यक्रम नहीं है जी, ये कैसे दोहरी नीति चलेगी? और फिर इसमें कौन सी बुराई है अगर भारतीय जनता पार्टी खुले दिल से कह रही है कि ठीक है भाई, 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, वो सनातनियों का, वो हिंदू करोड़ों करोड़ लोगों का जो इंतजार था वो आज खत्म हो रहा है, खुले मन से कम आज तो स्वागत कर दीजिए, आज तो राजनीति मत कीजिए। राजनीति के कोई विषय नहीं है। जब आपने बात की मर्यादा, मैंने बधाई तो पहले ही दी, आस्था का प्रतीक है, इसके बदले में हर हिंदू खुश होगा, लेकिन अगर हर हिंदू खुश होगा तो हर हिंदू को खुशी में शामिल भी तो करना चाहिए ना, कर देने से कि आपने एक इनविटेशन भेज दी शिवसेना के रूप में, शिव सैनिक के रूप में उनका कितना योगदान रहा है, लेकिन कैसे बुलाया गया उनको? आपकी मर्यादा है क्या ये? तो मर्यादाओं की बात करना चाहता हूँ। भगवान राम के मंदिर पर हमें कोई दर्शन नहीं है, प्रधानमंत्री छोड़िए 10 बार जाएं, सरकारी कार्यक्रम को अगर करते हैं तो सरकारी यहाँ करें ना। फिर अमित शाह दिल्ली में क्यों बैठे हैं बताइए? अमित शाह दिल्ली में क्यों है? क्या उनका योगदान कम है? एकाधिकार दिखाना है, एकाधिकार इस चीज का सूचक होता है, जैसे रावण था कि मेरी शक्ति चलिए ठीक है, जिसको निमंत्रण दिया गया वो पहुंचा नहीं। आप शिवसेना का जिक्र कर रहे हैं, शिवसेना के मित्र होते तो जरूर उनसे मैं बात करता और उनसे मैं सवाल करता। सुनील कौशिक जी, प्रभु रामचंद्र जी को एक आइकॉन के तौर पर हम लोग देखते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत, खास तौर पर जब दशहरा आता है, विजयदशमी का दिन आता है, तो हम जब रावण का पुतला दहन करते हैं तो ये एक प्रचलन है कि एक मैसेज जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, और उसी के रूप में ये एक जो प्रथा चली आ रही है उसको हम लोग आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। लेकिन त्रेता युग का जो आज अनुभव हम सब ले पा रहे हैं कलयुग में, एक बार फिर असत्य पर सत्य की जीत तो तभी हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया था, लेकिन असल जीत आज मानी जाए? ये बिल्कुल क्यों नहीं मानी जाएगी? आप देखिए ना, जनमानस में गांव गांव गली गली जाकर के आप देखेंगे तो निश्चित तौर से वही अनुभूति की जा रही है। और रामराज्य की परिकल्पना कब होती है? रामराज्य की परिकल्पना जब होती है जब देश का राजा उस परिकल्पना की बात करे। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हम घर में होते हैं तो घर में माँ बाप परिकल्पना करते हैं, बच्चे वो रहते हैं, तो किसी भी पार्टी का कोई भी शासक रहा हो, निश्चित तौर से शासक की बड़ा महत्ता रहती है। शासक की मनसा क्या होती है? शासक की जो मनसा होती है उसी हिसाब से ब्यूरोक्रेसी काम करती है, उसी हिसाब से मानसिकता बदल करके लोग रहते हैं। मैं छोटा सा और एग्जांपल दूंगा, जिले का कप्तान और डीएम ठीक से आ जाए तो जिला ठीक से चलने लगता है। तो वही जब देश का राजा ने जो परिकल्पना अपने देश की, मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई राजनीतिक बातें आज वहां से की हैं। हर व्यक्ति जो अपने परिवार की परिकल्पना की संरचना का ब्लूप्रिंट जब परिवार के सामने रखता है तो निश्चित तौर से खुशी होती है।
देश के प्रधानमंत्री ने वही परिकल्पना रखी, वही बड़ी बातें कही, राष्ट्र के बारे में बातें कही, और निश्चित तौर से जब तक जन सहभागिता नहीं होती तब तक राजा भी कुछ नहीं कर सकता। जन सहभागिता होना जरूरी है। और मैं पिछले 4-5 दिन से योगेश जी घूम रहा हूँ, गांव गांव गली गली, और देख रहा हूँ। निश्चित तौर से ये मैं महसूस कर रहा हूँ लोगों से जब वार्ता होती है कि ये पल बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। जब मैं अपने गांव गांव गया और गांव ने परचर्चा की, जो 70 और 80 के क्रॉस कर चुके हैं, वो निश्चित तौर से रो रो के मुझे बताने लगे कि हमें नहीं पता था कि इस जीवन में हम प्रभु राम के मंदिर की स्थापना का सीधा प्रसारण देख पाएंगे, या हमारे जीवन में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगी। ये खुशी जो है ना, चाहे वो अयोध्या गए या न गए, लेकिन जिस तरीके से जुड़ाव जो है लोगों का, वो पार्टी के नेताओं को समझना पड़ेगा। इस परिकल्पना से आप दूर नहीं जा सकते, राजनीति हो सकती है। और दूसरी बात, पूरे देश जानता है कि राजनीति किस राजनीतिक दल ने की और नहीं की, लेकिन आज का दिन जो था, जहां सारे लोगों को सम्मानित तरीके से बुलाया गया था, वो प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बुलाया, उस मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने उनको बुलाया, ट्रस्ट ने बुलाया। और प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है इस समय, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश के राजा हैं इस समय। मानिए, जब राजा का स्वरूप जब ऐसा होने लगे, मुझे कोई बता दे ऐसा कि ऐसा स्वरूप आज तक आजाद प्रधानमंत्री का किसी का देखा गया हो, मैंने तो नहीं देखा, न मैंने कभी पढ़ा है ऐसे स्वरूप को। जहां निश्चित तौर से जब ऐसी बातें कही जा रही है, और राजनीतिक दल में फिर वही राजनीति करने पर उतार हुआ है। आप देखिए कि जिन लोगों को बुलाया गया वो पहुंच नहीं रहे हैं, जिन लोगों को नहीं बुलाया गया कह रहे हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया, मतलब ये कौन सी चर्चा होती है। और उसमें उद्धव ठाकरे का क्या योगदान था? अरे बाबा साहब, बाला ठाकरे ने जो योगदान दिया निश्चित तौर से, वो होते तो उनको न्योता दिया जाता। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को बुलाया गया उन लोगों को वहां पहुंचना चाहिए था। अब वो एक एग्जाम्पल, जैसा मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है, तो यही कहते थे मीडिया के माध्यम से कि मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाएगा तभी हम जाएंगे। अभी लोकसभा चुनाव से पहले वो नेता चले गए, फिर क्या जवाब देंगे वो? अभी आज नहीं गए हैं, और आज के बाद लोकसभा चुनाव से पहले नेता गए, पहले भी इनका नेता हुआ है, इनका एक डेलीगेशन हुआ है वहां पर। नहीं, दिल्ली, देखो डेलीगेशन गया है वो एक अलग बात है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें कही गई, खड़गे साहब ने स्वीकार कर दिया, और जो सोनिया गांधी जी ने स्वीकार कर दिया, विपक्ष के नेता ने स्वीकार कर दिया, और महाराष्ट्र में उन्होंने कह ही दिया, तो ऐसी स्थिति में अब आप कहें कि नहीं हम अभी नहीं जाएंगे फिर जाएंगे, हमारा श्रद्धा का प्रतीक है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि वो न भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, न आरएसएस का कार्यक्रम था। जिस माध्यम से सम्मान के साथ मेरे घर में कुछ हो, मैं किसको बुलाऊंगा ना बुलाऊंगा, मेरा अधिकार है। बिल्कुल। और आज जब राजनीतिक दल ये आरोप लगाने लगे हैं, सब ट्रस्ट पूरा आरएसएस का और भाजपा का है, तो मुझे लगता है कि जैसे ही केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया था, तत्काल उसमें उंगलियां क्यों नहीं उठी? तत्काल आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? तत्काल आपने क्यों नहीं कहा ये सब आरएसएस के बीजेपी के लोग हैं? और आप देखिए, जब मंदिर की घोषणा हो रही थी कि होगा 22 जनवरी को, तभी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, शिवसेना के नेताओं को कहा गया डिबेट में कि न्योता नहीं दिया जा रहा है, न्योता देंगे तो जाएंगे, सबको न्योता देना चाहिए। जब ऐसी चर्चा आप करने लगे हैं, न्योता दे दिया कब हम नहीं जाएंगे, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि देश के मूल को समझना पड़ेगा। ये श्रद्धा का विषय है, और इस श्रद्धा में आपको सबको डूबना पड़ेगा। बिल्कुल। जहां आप विरोध कर देंगे ना, आप देखिए हर व्यक्ति सबको सहने के लिए तैयार है, पर धर्म के बारे में, बुजुर्गों के बारे में सहन नहीं करता वो। जब ऐसी बातें राजनीतिक दल करेंगे तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि फिर राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, और राजनीतिक और भी लोग करेंगे, और जनता को जब इसमें समेटने का प्रयास करेंगे तो जनता भी फिर अछूती नहीं रहेगी। इसलिए जो भी आज प्रधानमंत्री ने कहा, हम वैसे ही लाइव कई चैनलों पर रहे, एक एक बात हमने सुनी, बिल्कुल कट सत्य रोने बात कही, और ऐसा कोई शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं उपयोग किया जहां लगता हो कि किसी को दुख देने वाली बातें हो, किसी को टारगेट करके दिया गया हो। तो ऐसी समझ में मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं को आज ट्विटर के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से स्वागत होना चाहिए था, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं का। तमाम कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं मिला,
सब लोगों के आप देखिए ना दीपक जल रहा है, हाँ, सब लोग श्रद्धा के साथ अरे उसको मेरे मना साथ रहे हैं, महेंद्र प्रकाश जी बैठे सार्वजनिक हुए रूप से न हैं, जाएं। इनके यहाँ भी घर में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि घर में दीपोत्सव मनाया जा रहा होगा, ये जिस सोसाइटी में रहते होंगे वहां भी ये खुद देख रहे होंगे कि क्या माहौल होगा वहां का। हाँ महेंद्र जी 10 सेकंड में, उसके बाद स्वाति तिवारी जी के पास आते हैं। देखिए मेरे पत्रकार अच्छी अच्छी बातें हुई, लेकिन खासकर तो कांग्रेस के बारे में जो ये बातें हैं, किसी कांग्रेसी ने मना नहीं किया। खड़गे साहब ने जो चिट्ठी लिखी उसमें संस्थान कहा कि ये हमें राजनीति से प्रेरित लग रहा है दिन, भगवान राम के टेम्पल के खिलाफ कोई नहीं है। आज इस नीति आज ही दिन के जाने के लिए जिद पे क्यों अड़े हैं आप, और क्यों इनको राक्षस बनाने पर तुले हैं, क्यों इनको विलेन बनाने पे तुले हैं कि आज नहीं आए अरे तो विलेन नहीं नहीं बनाया बाद जा में रहा। जाएंगे मोहिंदर जी तो बाद में जाएंगे। बात को मेरे समझिए, आपके यहाँ मुंडन हो, आपकी बेटी की शादी हो, भव्य कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं, और आप किसी को निमंत्रित करें कि साहब आज आइएगा, और आना है, आप अपने रिलेटिव को बुलाइए कि साहब इस डेट को 22 तारीख को रखा गया है, मेरी बेटी की शादी है, और आपके रिलेटिव ये कह दें कि नहीं 22 को नहीं, हम 24 26 को आएंगे, फिर बाद में जब समय मिलेगा तब आएंगे। आप सोचिए कि आपको कैसा फील होगा। और अगर आपने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित था, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के झंडे बताइए अगर वहां पर अयोध्या में कहीं दिखे हों, किसी कार्यकर्ता के हाथ में दिखे हों, किसी नेता के हाथ में दिखे हों, जो लोग वहां पर गए हों उनके हाथों में दिखे हों, भगवा जय श्री राम के झंडे केवल वहां पर लहराते नजर आए, हमें प्रतीत होगा, हम प्रतीत करते हैं, ये सब कहना मुझे लगता है वो सुनील कौशिक जी जो कह रहे थे कि देश किस दिशा में बह रहा है उस दिशा में हमें भी चलना पड़ेगा, देश का मूड क्या है वो हमें समझना पड़ेगा, हमें का मतलब आपको समझना पड़ेगा। महिंदर जी आएंगे आपके पास, लेकिन उससे समझ पहले गया। आएंगे आपके पास स्वाति तिवारी जी, तो हम आ रहे हैं आपके पास, आपको पूरा समय बेटे देंगे, आप इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, आप इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, आपके पास आते हैं। बेटी की शादी का मैंने उदाहरण दिया, ये तो आज का ऐतिहासिक दिन था, वो इसीलिए मैं जा रहा हूं स्वाति जी के पास, इस ऐतिहासिक क्षण को भूला नहीं जा सकता, आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, और दीपावली मनाने की बात जो हम कर रहे हैं, अब शादी का एक उदाहरण दिया आपको कि आपको कैसा लगेगा, दीपावली से पहले आज एक दीपोत्सव, भव्य दीपोत्सव देशभर में मनाया जा रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, आपके सोसाइटी में भी फूट रहे होंगे, आप इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे। लेकिन स्वाति जी आज के ऐतिहासिक दिन के लिए प्रभु रामलला के स्वागत में क्या पंक्तियां आपके मन में आ रही हैं? सबसे पहले तो समस्त विश्राम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राजनीति की बातें हो रही है, बहुत तमाम तरह की बातें हो रही है, मैं मगर अभी वास्तविक है कि जो माहौल है वो पूरी तरह से राममय है। पिछले 3 4 दिनों नोएडा में रहती हूँ मैं, कहीं भी निकल रही हूँ अभी भी मेरी में, और मतलब पूरे स्वागत की तैयारी छोटे से बच्चे के अपने घरों में अमूमन करते हैं, वो सारी चीजें तमाम जगह पे दिखाई दे रही हैं। तो सारी राजनीति से इतर मैं 4 पंक्तियां श्री राम के चरणों में निवेदित करूंगी, और फिर जो बात राजनीति पे हो रही है उस पर भी 4 पंक्तियां जरूर बिल्कुल रखूंगी। स्वागत है। अपनी आंखों को दर्पण बना लीजिए और घिस करके चंदन बना लीजिए, अपनी आंखों को दर्पण बना लीजिए और घिस करके चंदन बना लीजिए, राम तो आएंगे आपके पास पर, राम तो आएंगे आपके पास पर, मन अयोध्या का पावन बना लीजिए, मन अयोध्या का पावन बना लीजिए। और एक बात कहना चाहूंगी कि अभी पिछले कुछ समय से जो राजनीति हमें देखने को मिल रही है वो जो भारत की मूल आत्मा है उससे बिल्कुल ही इतर दिख रही है विपक्ष की तरफ से। तो पूरी जनता की ओर से एक छोटे से मनुहार के रूप में भी मैं 4 पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी। जी। जब तलक सांस है
तब तलक कीजिए, देश के तत्व को ना पृथक कीजिए, जब तलक साथ है तब तलक कीजिए, देश के तत्व को ना पृथक कीजिए, लोक के तंत्र को जिंदा रखना है तो, लोक के तंत्र को जिंदा रखना है तो, राजनीति सकारात्मक कीजिए। इसी राम राज्य की परिकल्पना और नींव आज रखी गई है और मैं ये कामना करती हूँ कि इसी राम राज्य की सकारात्मक राजनीति को लेकर के हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल, बहुत आपने आप बहुत अच्छी बात कही है कि जब तलक है सांस तब तलक देश के तत्व को ना पृथक कीजिए और लोक के तंत्र को अगर जिंदा रखना है तो सकारात्मक राजनीति करिए। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को इस बात को समझना चाहिए। आपने बहुत अच्छी लाइनें कही हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, फिर चर्चा